एमसीबी जिले के अंतर्गत चिरमिरी कनिष्ठ अभियंता चिरमिरी के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, साथ ही उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि बिना किसी सुरक्षा के उन्हें 25 से 30 फीट ऊंचे लोहे पर चढ़ाया गया और सुरक्षा के नाम पर उन्हें किसी भी प्रकार का कुछ सामान नहीं दिया गया। जब इस बारे में मौके पर प्रातः दर्पण न्यूज के संवाददाता दीपेंद्र कुमार शर्मा ने जूनियर इंजीनियर से बात की तो वह बात करने से मीडिया के सामने भाग रहे थे और बाइट देने से साफ मना कर दिया। साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर संवाददाता को धमकाते हुए नजर आए कि ज्यादा नियम कानून लगाओगे तो आधे घंटे पर लाइट आती है, वह भी लाइट नहीं आएगी। ऐसे में यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इससे साफ नजर आता है कि कुछ अधिकारी किस प्रकार से कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और किस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है। अब सवाल ये है कि ऐसे में यदि अगर कर्मचारियों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं देंगे तो भी वही होगा, क्या डालना तो पड़ेगा क्योंकि उसके सुरक्षा को लेकर ना उसके पास कुछ है, सर में टोपी नहीं है ना कुछ नहीं है, ग्लव्स अगर हाथ में कुछ भी नहीं पहना, क्या ग्लव्स पहना, सर में टोपी है, सुरक्षा के इंतजाम में क्या चीज है तुम्हारे पास, क्या है सुरक्षा के इंतजाम में? अगर तुम ऊपर से गिरते हो तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? कौन लेगा? सर लेंगे, जय सर लेंगे, इसकी जवाबदारी कहाँ है सुरक्षा? अरे हो गया भाई, हर चीज नियम कानून लगाओगे ना तो लाइट जो आधा घंटे में लाइन आता है ना, नहीं तो नहीं, नहीं चाहिए लाइट, नहीं चाहिए तो बस, तो नहीं चाहिए मेरे को लाइट, तो आपको नहीं चाहिए ना मेरे को नहीं तो चाहिए, आप दे रहे हैं बाइट देंगे कि नहीं देंगे? हाँ ना नहीं बाइट, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कोरिया से दीपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।